मारी छोरिया छोरों से कम है के ये दंगल में कहा गया था, लेकिन असली जिंदगी में गुरुस को पलट दीजिए आप और आरसीबी के दृष्टिकोण से कहिए कि मारे छोरे छोरियों से कम थोड़ी ना है, क्योंकि छोरे भी जोर लगा रहे छोरियों के बाद ट्रॉफी उठाने के। हाँ, आरसीबी के लड़कों से पहले आरसीबी की लड़कियां साल 2024 में ट्रॉफी जीत गई। अपने दूसरे सीजन में उन्होंने कर दिखाया जो आरसीबी के लड़के 16 साल से नहीं कर पाए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि लड़कियों ने जो कर दिखाया उससे लड़के काफी इंस्पायर्ड हो गए हैं, और इसी वजह से तो आईपीएल के इतिहास में पहली टीम बन गई जो 9 मैचों में से 8 मैचों हारने के बाद कमबैक कर गई और प्लेऑफ में एंट्री कर गई। क्योंकि आज तक कोई भी टीम ऐसा नहीं कर पाई है 9 मैचों में से 8 मैचों हारने के बाद कमबैक कर गई और प्लेऑफ में अंदर सीधा पहुंच गई। आरसीबी की लड़कियां आई थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के लड़कों को सपोर्ट करने। आरसीबी के लड़के इतने जोश में आ गए कि इस वजह से उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की टीम को हराकर फिलहाल वे प्लेऑफ में पहुंच गए। जबकि इस मैच में सिर्फ जीत नहीं थी, इस मैच में 18 रनों के फासले को मेंटेन करना था 18 तारीख को। आरसीबी की लड़कियों की टीम, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि हम अलग है, हमें इनसे मत जोड़िए। 17 साल में पहली बार आरसीबी की टीम को जीत मिली थी और अब लड़कों ने भी 6 में से 6 मैच जीतने के बाद क्वालिफाई कर दिया। और अब वे कह रहे कि जो स्मृति मंदाना मजाक उड़ा रही थी कि इस साला कप नाम दे नहीं, इस साला कप नाम दू, तो इस साल हम भी नाम दू, एक तुम्हारा हो गया एक हमारा होगा। आरसीबी की लड़कियों की टीम और आरसीबी के लड़कों की टीम की दोनों की कहानी एक जैसी ही है। आप याद कीजिए कि WPL चल रहा था और आरसीबी की टीम जो है वे DC से के सामने एक रन से हार जाती है। गजब एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें ऋचा घोष माथा पकड़े बैठी थी। इसके बाद ये टीम बदल जाती है, गजब कमबैक करती है। कहने को ये दिल्ली और मुंबई दोनों के मुकाबले कमजोर थी, लेकिन इसके बाद मुंबई को 2-2 मर्तबा हराती है और उसके बाद दिल्ली को फाइनल से हराती है और ट्रॉफी अपने नाम ले जाती है। यही कहानी आरसीबी के लड़कों की टीम के साथ है। अभी 3 तारीख को आरसीबी की टीम जो है वे 10th पोजीशन पर थी। जी हाँ, 10th पोजीशन पर थी। ऐसा लग रहा था कि प्लेऑफ में तो वो एक कहां ही पहुंच पाएगी 10th नंबर पर। जो है यार, लोग मजाक उड़ा रहे थे इस साल कप नाम दे, इस साल कप नाम दे, हर साल आते हैं लेकिन खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन आरसीबी की टीम ने कहा रुको, जरा सब्र करो, लड़कियां कर रही है तो हम लड़के क्यों नहीं कर सकते, और 18 मई को अब वे प्लेऑफ के अंदर पहुंच गए। वैसे अगर आरसीबी को इतिहास रचना है तो सिर्फ उन्हें बेस्ट नहीं बेहतर करना होगा। आरसीबी आज तक लगातार सबसे ज्यादा मैच 7 बार जीते थे साल 2011 जब वे रनर अप बने थे। हालांकि वे जीते नहीं थे, वे रनर अप बने थे साल 2011 में। लेकिन अब अगर आरसीबी को ट्रॉफी उठानी है तो उन्हें 9 मैचेस लगातार जीतने होंगे। जी हाँ, 9 मैचेस लगातार जीतने होंगे। पहला मुकाबला चाहे SRH से हो या KKR से, उसके बाद KKR से जो हारेगा उससे मैच जीतना होगा या KKR से लड़ना होगा, और उसके बाद फाइनल में जो टीम जाएगी उसके साथ फिर एक मुकाबला करना होगा। तो प्लेऑफ तक तो पहुंच गई, लेकिन इसके बाद 3 मुकाबले और है जो उन्हें लगातार जीतने होंगे, और अगर ये 3 मुकाबले भी जीत जाती है तो लड़के कह सकते हैं कि मारे छोरे भी छोरियों से कम नहीं है। आपको क्या लगता है कि लड़के जीत जाएंगे, लड़कों कह पाएंगे कि मारे छोरे भी छोरियों से कम नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।